एक बार की बात, वृंदावन धाम घूमने गए हमारे राजीव भैया, सुनील मित्तल भैया और हमारे चेयरमैन साहब सभी को लेकर के वृंदावन घूमने गए। बड़ा प्यार करते मुझसे ये सब। फोन आया कि प्रमोद बेटा कभी वृंदावन गया है? मैंने कहा आज तक तो कभी सौभाग्य नहीं मिला। कहते अगर नहीं गया ना तो कभी मत जियो। मैंने कहा मैं भैया कमाल कर रहे हो, सुबेरे सुबेरे आप सब तो कहते वृंदावन धाम जाओ, वृंदावन धाम जाओ, वृंदावन धाम जाओ, और आप कहते हो। मैंने कहा भैया क्यों, पता क्या था? कहने लगे तू मेरी बात सुन ले एक बार, उसके बाद में जो तेरा दिल करे तू करियो। मैंने कहा ठीक है। मुझे अगर कहने लगे अरे तू मत जइयो, मत जइयो तू वृंदावन धाम, मैंने कहा क्यों? कहने लगे वहां पर रहते हैं, रहते हैं जादू कर घनश्याम। मैंने कहा दुनिया तरसती है जिनके दर्शन के लिए, आप मुझे उनके दर्शन के लिए रोक रहे? क्या हो जाएगा अगर मैं वृंदावन धाम चला जाऊंगा? पता है क्या कहा? अरे वृंदावन की गलियों में तू है वही डालेगा। मैंने कहा क्यों? मेरा पूरी बात सुन चल ध्यान से। वृंदावन की गलियों में तू है वही डोलेगा। पता है क्यों डोलेगा? अगर उठाओ दोनों हाथ सीधे सीधे, सीधे सीधे हाथ उठाओ और मिलकर के कहो। अच्छा, जो जितनी भाभियां हैं ना, जितनी भाभियां हैं, एक बार खड़े हो जाओ, जितनी भाभियां खड़े हो जाओ, प्लीज खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी, क्योंकि समय है। अरे वृंदावन की गलियों में तू है वही एक काम करो, सभी खड़े हो जाओ, जिनको 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 कीर्तन अच्छा लग रहा सभी खड़े हो जाओ, आप भी और आप भी, आप भी जल्दी जल्दी करके खड़े हो जाओ और मिल करके आओ। अरे वृंदावन की गलियों में तू है वही वृंदावन की गलियों I'm
बाबा तेरे आगे, मैं बाबा तेरे आगे, मेरे बाबा तेरे आगे, मेरी डाली जाती पड़ गई रे बाबा जी तेरे आगे, मेरी डाली जाती पड़ गई रे बाबा जी तेरे आगे, मेरे बाबा तेरे आगे, मेरे दादा तेरे आगे, मैं बाबा तेरे आगे, मेरे बाबा तेरे आगे, मेरी डाली जाती पड़ गई रे बाबा जी तेरे आगे, मेरी डाली जाती पड़ गई रे बाबा जी तेरे आगे, बाबा जी तेरे आगे, मेरी थोड़ी बाबा जी आगे।